नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली छठ को लेकर अभी से ही इन ट्रेनों में सीटें हुई फुल। बिहार के मुकेश का भारतीय क्रिकेट टीम ए में हुआ सिलेक्शन। निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। विधानसभा में विपक्ष में बैठते ही विजय कुमार सिन्हा ने रखी ये मांग। पर्यटन विभाग ने पिंडदानियों के लिए शुरू की विशेष बस पैकेज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। HECL रांची ने अप्रेंटिस के 74 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 74 रिक्त स्थान हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिग्री या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 20 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.heceltd.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दिवाली छठ को लेकर अभी से ही इन ट्रेनों में सीटें हुई फुल। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से ही बिहार को आने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। आलम यह है कि दिल्ली मुंबई से आने वाली ट्रेनों में अभी से ही नो रूम की स्थिति बनी हुई है। जहां नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 22 से 23 अक्टूबर के अलावा 25 से 28 अक्टूबर तक स्लीपर में नो रूम है। वहीं विक्रमशिला एक्सप्रेस में 25 व 26 अक्टूबर तक नो रूम की स्थिति है। मुंबई से आने वाली LTT भागलपुर में 23 और 25 अक्टूबर को स्लीपर व AC 3rd में 23, 25 व 27 अक्टूबर को नो रूम है। वहीं संपूर्ण क्रांति की बात करें तो 350 से अधिक LTTE पाटलिपुत्रा में 393 से अधिक स्लीपर में वेटिंग चल रही है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनय पाठक की। विनय पाठक एक भारतीय रंगमंच और फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने खोसला का घोसला, भेजा फ्राई, आइसलैंड सिटी और जॉनी गद्दार सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। इसके साथ ही जिस्म, रब ने बना दी जोड़ी और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में भी सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई है। विनय पाठक का जन्म 12 जुलाई 1968 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। इलाहाबाद से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में आगे की पढ़ाई की। 1999 में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला में हिप हिप हुर्रे में विनी की भूमिका में निभाई थी। विधानसभा में विपक्ष में बैठते ही विजय कुमार सिन्हा ने रखी ये मांग। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते ही विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन सदन में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन पर बैठने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को जब सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला तो वह निशाना साधने से नहीं चुके। विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की है, जिनमें भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर जानकारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर समितियों की रिपोर्ट दबा रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस आसन पर आप बैठे हैं उसे आप प्रभावित करें। बिहार जो अपराध और भ्रष्टाचार से अंकित हुआ है उसे आप मुक्त दिलाएं, सदन में एक नया वातावरण बनाएं, यही आपसे विनती है। पटना एयरपोर्ट पर फिर से बिछाया जाएगा रनवे। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में यहां कई तरह के उपकरण सहित कई काम किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर अब पटना एयरपोर्ट पर आइसोलेशन पार्किंग बे का निर्माण शुरू हो गया है। यह DVOR से 100 मीटर की दूरी पर 4 एकड़ जमीन पर बन रहा है, जिसके बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो गया है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का टेंडर जारी हो गया है, जो 6 सितंबर को खुलेगा। इन दोनों के निर्माण के बाद रनवे को भी फिर से बिछाने का काम होगा, जिस पर 75 करोड़ रुपए का खर्च होगा। विजय चौधरी ने कहा, जांच में विलंब जरूर लेकिन गहराई से हो रही है जांच। सोमवार को सीटेट बीटेट छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में पटना के ADM के सिंह बूढ़े फंसे हैं। एक छात्र को बेरहमी से पीटते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पटना के DM ने जांच कमेटी का गठन किया है। इस मामले में DDC ने 5 दिन का और वक्त मांगा है। ऐसे में जब वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देर जरूर हो रही है जांच में, लेकिन इसकी जांच अच्छे से होगी। उन्होंने कहा कि घटना से पहले क्या हुआ था, कैसे ये हालात बन, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, ये सब वीडियो फुटेज जो CCTV का है उसे भी देखा जा रहा है। हम समझते हैं कि जांच में देरी हो रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जांच निष्पक्ष हो इसका प्रयास कर सरकार कर रही है, इसलिए इसको समय दिया गया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को दी अहम सलाह।
बिहार के नई महागठबंधन सरकार को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि बस कुछ महीने तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री रह पाएंगे। बीते दिन पटना सिविल कोर्ट में एक मामले में गवाही देने पहुंचे सुशील मोदी ने बताया कि कैसे आने वाले समय में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर राजद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा स्पीकर पर अपनी पार्टी के नेता को बैठाकर राजद ने इसकी शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार के शुभचिंतक के तौर पर सलाह देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री का मुंह छोड़कर पहले अपनी कुर्सी और पार्टी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजद उन्हें कभी तोड़ सकता है। इसलिए नीतीश जी राजद से सावधान रहे। भाजपा ने कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। बात साल 2019 की है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में बीते दिन भाजपा नेता सुशील मोदी पटना के NP MLA कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही नहीं सारे मोदी चोर हैं कहा था, इसी वजह से उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया था। सुशील मोदी ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज को छोड़कर एक एक कर लोग चले जाएंगे। पर्यटन विभाग ने पिंडदानियों के लिए शुरू की विशेष बस पैकेज। आगामी 9 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए बिहार पर्यटन विकास निगम ने पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजधानी पटना से गया और पुनपुन जाने के लिए स्पेशल AC बस की सुविधा उपलब्ध कराने वाली है, जिसका किराया प्रति सवारी 670 रुपया होगा। श्रद्धालु महज 670 रुपये में पटना से पुनपुन और गया जाकर पिंडदान कर सकेंगे। आपको बताते चले कि पितृपक्ष का यह मेला 25 सितंबर तक चलेगा। पर्यटन विकास निगम की यह बस पटना के 8 ब्लॉक से सुबह 7 बजे खुलेगी। इसके अतिरिक्त भी 6 अन्य तरह के पैकेज लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को परिवहन, पंडित, पूजन सामग्री, रहने के साथ खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। बिहार में इस बार निकाय चुनाव में काफी वक्त लग रहा है, हालांकि अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के छपाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार निकाय चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बोगस वोट को लेकर भी आयोग इंतजाम कर रहा है। वहीं आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को नगर निकाय चुनाव के सभी 3 पदों, मेयर या मुख्य पार्षद, उप मेयर या उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के अनुरूप मतगणना हॉल का आकलन करने को कहा है। साथ ही 3 पदों के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र होंगे, जहां वोटों की गिनती होगी। वहीं निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा अगले महीने की जाएगी। इस वजह से बेहद खास है गया का विष्णुपद मंदिर। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है गया का विष्णुपद मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिंडदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ये है बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल क्षेत्र, हरिद्वार का नारायणी शिला क्षेत्र और बिहार का गया क्षेत्र। इनमें गया क्षेत्र का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित है कुछ ऐसे दिव्य स्थान, जहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इसी गया क्षेत्र में स्थित है अति प्राचीन विष्णुपद मंदिर, जो सनातन के अनुयायियों में सबसे पवित्र माना गया है। इस मंदिर में स्थित है भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस जगह पर एक और खास बात है कि यहाँ पितृपक्ष मेला लगाया जाता है, जहाँ भारी संख्या में देश भर से लोग पिंड दान करने आते हैं। पटना विश्वविद्यालय PG में नामांकन के लिए आवेदन की बढ़ाई गई तिथि। पटना विश्वविद्यालय में मास्टर्स करने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना है। पटना विश्वविद्यालय में PG में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी गई है। पटना यूनिवर्सिटी की ओर से तिथि बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो भी छात्र किसी कारणवश आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वो बढ़ी हुई समय सीमा तक आवेदन करवा सकते हैं। आपको बताते चले कि अभी तक PG में नामांकन के लिए 3000 छात्रों ने आवेदन किया है। बिहार के मुकेश का भारतीय क्रिकेट टीम A में हुआ सिलेक्शन। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है और अभी भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक निकले हैं गोपालगंज के मुकेश कुमार। बिहार के गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार का चयन इंडिया A क्रिकेट टीम के लिए किया गया है। साल 2009-10 में बिहार अंडर-19 टीम में BCCI के बनाए गए कमेटी में खिलाड़ी भी रहे हैं। बिहार की मान्यता नहीं रहने के कारण बंगाल से ही क्रिकेट खेलने का मन बना लिया था। पिछले साल IPL ऑक्शन में भी नाम आया था। आपको बताते चले कि वर्तमान में मुकेश के परिवार के सभी सदस्य कोलकाता में रहते हैं। टीम इंडिया में चयन के बाद घर में काफी खुशी का माहौल है।
बिहारवासियों पर आज मेहरबान हो सकती है बारिश। मौसम का मिजाज कब बदल जाए किसी को नहीं पता। बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही हैं। कभी बारिश तो कभी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से बारिश का नामो निशान नहीं है, इसी वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में 27 अगस्त यानी आज राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय जिले में वज्रपात के साथ ही बारिश की आशंका है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सहारा इंडिया के ऑफिस के बाहर किन्नरों ने जमकर काटा बवाल। देश में सहारा इंडिया परिवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों में हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। बता दें कि सहारा इंडिया पर पैसा धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ किन्नरों ने जबरदस्त बवाल काटा। इस दौरान किन्नरों ने बताया कि पिछले 10 साल से पैसा जमा कर रहे थे, उस पैसे का भुगतान उन्हें 2021 में कर देना था, लेकिन अब बैंक उन्हें पैसे के लिए इधर से उधर दौड़ा रहा है। किन्नरों ने बैंक मैनेजर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैनेजर पिटाई करके अस्पताल में भेजेंगे और पैसा लेकर रहेंगे। बैंक के मैनेजर ने बताया कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए पैसे देने में दिक्कत हो रही है। 2022 के अंत तक पैसा लौटा दिया जाएगा। इस दौरान सड़कें पूरी तरह से जमा हो गई और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई थी। संगमित्रा एक्सप्रेस का बदला गया टाइम टेबल, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दानापुरा स्टेशन से बेंगलुरु जाने वाली संगमित्रा एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि यह ट्रेन अब बेंगलुरु में नहीं दूसरे स्टेशन से अपने यात्रा शुरू और खत्म करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आगामी 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में गया आने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान रेलवे करने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के चुरका स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। नरेंद्र मोदी बने दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि दुनिया के 75% लोगों के पसंदीदा नेताओं में नरेंद्र मोदी शामिल हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने बीते दिन जो रिपोर्ट ट्वीट के माध्यम से साझा की है, उसमें वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी को देश भर के 75% लोगों ने पसंद किया है। वहीं दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को स्थान मिला है, जिन्हें 63% लोगों ने पसंद किया है। मनोज झा ने कहा भाजपा में ताकत नहीं है राजनीतिक लड़ाई लड़ने की। राजद का दावा है कि भाजपा में अब वो ताकत नहीं बची है राजनीतिक लड़ाई लड़ने की। दरअसल राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सीबीआई, मीडिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया और सीबीआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी यादव का बताना गलत है। उन्होंने कहा कि गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। इसके साथ ही मनोज झा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, भाजपा को लड़ना है तो वह पॉलिटिकली लड़े। अब हम जनता के बीच जाएंगे और जाकर बताएंगे कि हम लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है और छापेमारी करवा रहे हैं। श्रवण कुमार का दावा, नीतीश कुमार एक दिन लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने को लेकर चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। आए दिन इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी नीतीश कुमार के लिए दावा किया है कि एक दिन नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़ा, लात मारा, इसकी पूरी देश में चर्चा है। हर राजनीतिक दल का नेता नीतीश की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। ललन सिंह इस काम में लगे हुए हैं। आने वाले समय में नालंदा का बेटा, बिहार की धरती का नौजवान, बिहार की धरती के सीएम नीतीश कुमार जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद सिन्हा ने यह ऐलान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी की तरफ से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकूंगा। बता दें कि सच्चिदानंद राय ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतने में सफल रहे। बता दें कि पिछले दिनों सच्चिदानंद राय और लालू यादव के साथ भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।
आरसीपी सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। जदयू से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह के बारे में ये चर्चे तेजी से चल रहे हैं कि आरसीपी सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच खबर ये आई है कि आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों की माने तो आरसीपी सिंह पिछले दो दिनों से दिल्ली में है। साथ ही आरसीपी सिंह बीजेपी के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना 1604 में की गई थी। भाजपा के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना 1870 में की गई थी। भारत ने 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहां बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया। टाटा स्टील की नींव रखने वाले दारोबजी टाटा का जन्म 1859 में हुआ था। भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म 1972 को हुआ था। भारतीय पार्श्व गायक मुकेश का निधन 1976 को हुआ था। और आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन 2006 को हुआ था। आज से हो रहा है एशिया कप 2022 का आगाज। आज यानी शनिवार 27 अगस्त से एशिया कप 2022 का आगाज हो रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। मालूम हो कि पिछली बार साल 2018 में खेले गए 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। वहीं इस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। आपको बताते चले कि सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे, जहां 10 मैच दुबई में होंगे और 3 मैच शारजाह में होगा, जहां फाइनल मैच रविवार 11 सितंबर को खेला जाएगा। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ते पर दिए जाने वाले अतिरिक्त किस्त के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में एक वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का अतिरिक्त संशोधित किस्त जुलाई 2022 से प्रभावी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि PIB फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। इस विषय पर PIB ने कहा कि वित्त विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, ये दावे फर्जी हैं। जीमेल का यह स्पेशल फीचर आपका काम करेगा आसान। डिजिटल वर्ल्ड में जीमेल महत्वपूर्ण है। स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस तक के काम के लिए यह बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है। ऐसे में आपको भी जीमेल के इस महत्वपूर्ण फीचर के बारे में जान लेना चाहिए। जीमेल पर मिलने वाले इस फीचर्स की मदद से आपको एक साथ कई सारे मेल पढ़ने में सहूलियत मिलती है। यह है जीमेल प्रीव्यू पैनल। इस फीचर को ओपन करने के बाद इनबॉक्स 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग में ईमेल की लिस्ट और एक भाग में क्लिक्ड ईमेल शो होते हैं, यानी आप एक ही स्क्रीन पर ईमेल की लिस्ट और उन ईमेल में लिखे गए मैसेज को भी देख सकते हैं। इस पैनल को ओपन करने के लिए आपको जीमेल लैब्स में जाकर को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेटिंग्स में से प्रीव्यू पैनल को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको 2 अलग-अलग स्लाउड शो होने लगेंगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत कुमार झा, राजीव कुमार, संजीत कुमार सुमन, शैलेश कुमार, निरंजन मंडल, दीपक कुमार, हिमांशु पांडे, अनुज यादव, नीतीश कुमार, विमल कुमार, सुभाष मित्रा, अनवर और दिलीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत के इतिहास में अभी तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।